तो मित्रों स्वागत है आपका एक बार फिर बिजी पंडा के एक नए वीडियो में, जहां हम आज जानेंगे कुछ यूनिक, कुछ अलग, बाकी वीडियो से थोड़ा हटकर ऐसे बिजनेस आइडियाज जो कि आप लॉकडाउन के समय अपनी अर्निंग को बढ़ा भी सकते हैं और अर्निंग कर भी सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में काफी रिसर्च और ब्रेनस्टॉर्मिंग की प्रोसेस से गुजरने के बाद हम कुछ ऐसे आइडियाज ढूंढ के लाए हैं जो कि तीन पैरामीटर्स पे काम करेंगे, जैसे कि वो आज के जमाने के हिसाब से ट्रेंडी होने चाहिए, क्योंकि अगर ट्रेंड नहीं होगा तो आपके जो आइडियाज हैं वो लॉकडाउन के अंदर ही खत्म हो जाएंगे। दूसरा दोस्तों, वो ज्यादातर होम केयर सॉल्यूशंस पे काम करने चाहिए, यानी कि वर्क फ्रॉम होम की तरह काम करने चाहिए जहां पर आप सेफ रहें। और दोस्तों तीसरा पैरामीटर ये, अगर आपको बाहर जाना भी पड़े तो एक सेफ एनवायरनमेंट आपके लिए क्रिएट हो और लोकल गार्डियंस भी आपको सपोर्ट करें। और दोस्तों इस वीडियो के अंत में एक बोनस टिप, एक बोनस आइडिया मैं आपको देने वाला हूं, तो उसके लिए जरूर रुकिएगा। वो आइडिया भी दोस्तों टेस्टेड और वेरीफाइड है, और जितने भी मैं आइडियाज बताऊंगा अगर वो आपको कहीं और देखने को मिले हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नए हैं अगर इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं ऐसी वीडियोस के लिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अपने आइडियाज की तरफ। तो दोस्तों 10वें नंबर पे आता है एक ऐसा आइडिया जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है इस समय, और इस आइडिया का भी कोई मार्केट लीडर अभी तक आया नहीं है सामने। मित्रों इस आइडिया का नाम है कार एम्बुलेंस रेंटल। सबसे ज्यादा ट्रेंडीएस्ट अभी कोई चीज है तो वो है दोस्तों ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन आपको तभी पहुंच सकती है जब आप तुरंत हॉस्पिटल तक पहुंचे। खैर एम्बुलेंस इसमें काफी बड़ा रोल निभाती है, जो कि बहुत से शहरों में अब उसकी रिक्वायरमेंट इतनी बढ़ चुकी है कि सप्लाई कम हो चुकी है, यानी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम। और यही वो अपॉर्चुनिटी है जो आपको सेवा भाव भी देगी और कुछ अर्निंग के लिए भी देगी। आप अपनी कार या कोई भी फोर व्हीलर या टू व्हीलर तक भी आप रेंट के तौर पे दे सकते हैं उन लोगों को जिनके पास वो साधन नहीं है। अगर किसी को इमरजेंसी में कुछ चाहिए और उन्हें हॉस्पिटल तक जाना है तो आप अपनी कार या अपने कोई भी व्हीलर को रेंट पे दे सकते हैं उतने टाइम के लिए, ताकि वो जाके आ भी सके। इस आइडिया को आप अपनी तरीके से मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, और दोस्तों बहुत लोगों की इससे सेवा जरूर होगी। बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ अपने अगले आइडिया की तरफ, वो कुछ इसी से मिलता जुलता है। वहां पर आपको कार की जगह अपना रूम या अपना बेड रेंटल पे तौर पे देना चाहिए। अब ऐसा क्यों दोस्तों? जैसा कि गवर्नमेंट और हमारी स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा हम बेड्स का इंतजाम कर सकें, और ऐसे में अगर आप अपना कोई रूम या कोई ऐसा क्षेत्र उनको रेंट पे दें जहां पर वो बेड लगा सकें, या अपना ही बेड रेंट पे दें जो कि एक्स्ट्रा है। और दोस्तों एक रिसर्च से मालूम पड़ा है कि 47% इंडियंस के पास रेंटल प्रॉपर्टी होती है, तो आप अगर उनमें से एक हैं तो आप जरूर ये आइडिया ट्राई कर सकते हैं, बाकी अपने हिसाब से मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले आइडिया की तरफ, जो कि होम केयर सॉल्यूशंस पे काम करते हैं, यानी कि वर्क फ्रॉम होम। दोस्तों क्या आपको पता है कि आप सैनिटाइजर, सोप, मास्क, ग्लव्स सब अपने घर पे भी बना सकते हैं, या अपने नजदीकी मेडिकल स्टोर से कोलैबोरेशन कर सकते हैं, ताकि जो मेडिकल स्टोर का सामान है आप घर घर पहुंचा सकें, क्योंकि रिमोटेबिलिटी भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि इस लॉकडाउन में देखा गया है। लोगों को डोर टू डोर सर्विस मिलने के लिए वो कुछ भी पे कर सकते हैं, जैसा कि मैंने देखा है। दोस्तों इसी से जुड़ा हुआ अपना अगला आइडिया मैं आपके सामने रखता हूँ, वो है दोस्तों डोर टू डोर ग्रोसरी, मेडिकल थिंग्स और कुछ भी जो कि पार्सल के तौर पे आप उनके घर तक पहुँचा सकते हैं वो आपको पहुँचाना चाहिए, आप उसके लिए चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों रिसर्च से ये पता चला है इस लॉकडाउन में सबसे बड़ा फैक्टर रहा है डोर टू डोर सर्विस, क्योंकि यहाँ पर लोगों को बाहर जाने के लिए बहुत कम ब्रीदिंग स्पेस मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ डोर टू डोर सर्विस तेजी से अपना रेवेन्यू जनरेट करती जा रही है। जोमेटो इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल्स में से एक है। तो आप लोकल के तौर पे अपने नियर ही एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पर लोगों को ग्रोसरी चाहिए तो आप वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, या मेडिकल इक्विपमेंट सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों रेवेन्यू जनरेट करने का इस लॉकडाउन। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले आइडिया की तरफ, वो है दोस्तों थोड़ा लाइफस्टाइल और हाइजीन से रिलेटेड। उससे पहले दोस्तों अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया है और ऐसी वीडियोस और आगे देखना चाहते हैं तो मोटिवेशन के लिए एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों आप रेंट कर सकते हैं अपना ट्रिमर या शेविंग किट तक भी, या कोई भी अपने हेयर प्रोडक्ट्स। दोस्तों आप लोगों को लग रहा होगा ये आइडिया काफी अजीब सा है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये काम करेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं दोस्तों लॉकडाउन में बाल बढ़ना कम नहीं होता, वो बढ़ते जाते हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत उन लोगों को आती है जो कि अनशेव्ड रहते हैं, जिनको हाइजीन से प्यार है, लाइफस्टाइल से प्यार है। ऐसा ही कुछ मैंने किया अपने साथ भी, मैंने एक हेयर सलून वाले को कोलैब करने की कोशिश की, और जितने वो पैसे कमाता था उसका कुछ शेयर मैं अपने पास रखता था, क्योंकि मैंने उसको कस्टमर्स दिए। आप ये एग्जांपल ले सकते हैं। वैसे ही अगर आप किसी
किसी ऐसे इंसान को अपनी किट दे रहे हैं या अपना ट्रिमर दे रहे हैं जो उसके पास नहीं है और उसके बाल बढ़ चुके हैं, जो कि वो सैलून में जाके कटवाता है, वो आपसे कीमत दे के वो सामान ले जाएगा। दोस्तों आप इसी तरीके से अपने आइडिया को थोड़ा ऊपर नीचे करके बताएं कमेंट बॉक्स में आप कैसे यूज कर सकते हैं इसको। लेकिन खैर बढ़ते हैं अपने अगले आइडिया की तरफ। अब दोस्तों मैंने पहला आपको आइडिया बताया था कार एम्बुलेंस का, जैसे कि लोगों को जरूरत पड़ती है हॉस्पिटलाइज जल्दी करने की तो आप उनको रेंट आउट कर सकते हैं। वैसे ही दोस्तों अगर किसी को बाहर जाना अर्जेंट जरूरत है तो आप उसको भी रेंट कर सकते हैं, अपनी कैब सर्विस चला सकते हैं लोकली, या आपकी टू व्हीलर है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यही मौका है आपके पास, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता दोस्तों, काम काम होता है और इस समय दोस्तों हर काम की कीमत है। दोस्तों बढ़ते हैं आप अपने अगले आइडिया की तरफ, जो कि इससे ज्यादा ट्रेंडियस्ट चीज अभी मार्केट में चल रही है, तो ये दूसरे या तीसरे चौथे नंबर पे ही होगी। वो है दोस्तों आपके मेडिसिन या यूं कहें आयुर्वेदिक ड्रिंक्स। जैसे कि इम्यूनिटी और बूस्टर का क्रेज बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का भी क्रेज जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगर आपको दोस्तों आयुर्वेदिक ड्रिंक्स बनाने आते हैं, और दोस्तों सबसे सिंपलेस्ट तरीके होते हैं उनको बनाने के, आपको सारे स्पाइसेस या हर्ब्स को इकट्ठा करके बस उसका जूस निकालना होता है और वो इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है। ऐसे ही दोस्तों मैंने अपने आसपास देखा एक व्यक्ति जो ऐसे ही हल्दी मिंट जैसे बहुत से हर्ब्स को मिला के एक इम्यूनिटी बूस्टर बना रहा था, और मैंने उससे पूछा कि आप कितना कमा लेते हैं इसका इस लॉकडाउन के समय। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं सुबह 6:30 बजे से सिर्फ 8:30 बजे तक ही उपलब्ध रहता हूँ, और उसमें मैं कम से कम 30 या 35 ग्लास बेच देता हूँ, और हर ग्लास की कीमत 25 से लेकर 60 रुपए के बीच में होती है। तो आप दोस्तों इसका एग्जांपल लेके अपने नियर बाय तरीके से आप इसे आइडिया को अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, डोर टू डोर सर्विस इज अ की है सक्सेस पाने में इस लॉकडाउन में। दोस्तों बढ़ते हैं आप अपने अगले आइडिया की तरफ। अब दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि लॉकडाउन के समय किसी के कपड़े या किसी को स्विंग या ऑल्टरेशन की जरूरत ना पड़े, बहुत से लोगों को पड़ती है, अपने आसपास में देखिए उन सबको पड़ेगी, तो आप उनकी मदद भी कर सकते हैं, वो अपने कपड़े आपको दे के जाएं या आप उनके घर जाके स्विंग या ऑल्टरेशन का काम कर सकते हैं सेफ मैनर में। देखो यार ऐसा तो है नहीं कि आपको भी जरूरत ना पड़ी हो, आपके भी लॉकडाउन में कपड़ों को ऑल्टरेशन की जरूरत जरूर पड़ी होगी, लेकिन आप दूसरों को ढूंढ रहे होंगे। अगर आप वो खुद काम कर सकते हैं तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको एक अर्निंग का सोर्स भी मिल जाएगा। बाकी खैर ये सिर्फ एक आइडिया है, और आइडियाज ये आपको पसंद आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यार। तो खैर बढ़ता हूँ मैं अपने अगले आइडिया की तरफ, जो कि हाल ही के समय में बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, और इसकी जरूरत हर वो व्यक्ति को लग रही है जो कि वो वहाँ नहीं कर सकता जो वो घर पे कर रहा है, और घर पे उसको वो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा जो वो अपने वर्क प्लेस में करता था। वो है दोस्तों ऑनलाइन कंसल्टेंसी, जो कि किसी भी चीज की हो सकती है, या कि वो फिटनेस की हो सकती है, फूड की हो सकती है, टीचिंग की हो सकती है, बिजनेस की हो सकती है, मार्केटिंग की हो सकती है, सेल्स की हो सकती है, डिजिटल मार्केटिंग की भी हो सकती है, वेब डिजाइन, वेब डेवलपिंग, सब चीजों की ऑनलाइन कंसल्टेंसी हो सकती है। आप जिस भी चीज में अच्छे हैं उन लोगों को सर्च कर सकते हैं, वो आपको आसानी से मिल जाएंगे, और आप एक घर बैठे बैठे एक अपनी स्मॉल बिजनेस खोल सकते हैं ऑनलाइन कंसल्टेंसी का। इवेंट्स को कंसल्ट कर सकते हैं आप कि कैसे आप ऑनलाइन मीटिंग में अपना इवेंट को ऑर्गेनाइज करें, अगर आप जानते हैं तो लोग आपको पे करने के लिए तैयार हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नंबर वन की तरफ, और नंबर वन दोस्तों ऐसा है कि हर किसी ने ट्राई कर लिया होगा, ये काफी यूनिक नहीं है और अब लगता है लॉकडाउन में सिर्फ यही बचा है, वो है दोस्तों अफिलिएट रेफरल प्रोग्राम। दोस्तों हमारी खासियत ये है कि हम हमेशा रेफरल प्रोग्राम्स को जो है वो अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ रेफरल्स ऐसे भी होते हैं जो आपको बेनिफिट ही देके जाते हैं। भले ही हम सब जानते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो आपके घर तक पहुंचना अब मुश्किल है, लेकिन आप सर्विसेज को रेफरल कर सकते हैं, वो इंस्टेंट वे में उन तक पहुंचेगी और आपको अपना रेफरल भी मिल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, ग्रो, ज़ेरोधा, राजोर पे, अपस्टॉक्स ऐसे रेफरल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर आप अपना डीमैट अकाउंट तो खोलेंगे ही खोलेंगे, लेकिन उसके साथ आप रेफरल जब भी करेंगे तो आपको साइन अप बोनस के तौर पे भी मिलता है कुछ अमाउंट, और उसके साथ साथ आप उसमें स्टॉक भी ट्रेड कर सकते हैं, तो आपकी वो एक अलग इनकम भी चालू हो जाती है। ये सिर्फ एक आइडिया है और इसका कोई मैंने पैसा नहीं लिया, ये किसी के साथ पार्टनर नहीं है, ये सिर्फ एक आइडिया मैं आपको देना चाहता हूँ जो आप घर बैठे कर सके, क्योंकि डेटा एंट्री, बुककीपिंग, ये सब काम शायद हम बिजी फंडा में नहीं करेंगे। मैं व्लॉगिंग भी बोल सकता था, ब्लॉगिंग भी बोल सकता था, कंटेंट राइटिंग भी बोल सकता था, यूट्यूब भी बोल सकता था, लेकिन मेरा यार दोस्तों यही मानना है कि जो चीज प्रैक्टिकली हो सकती है इस लॉकडाउन
में। भले ही ब्लॉगिंग यूट्यूब से आपको लॉन्ग टर्म में फायदा हो सकता है, लेकिन दोस्तों अब का क्या, लॉकडाउन के समय क्या? तो उसकी कोशिश में मैंने आपको ये आइडियाज दिए, लेकिन एक बोनस आइडिया अभी भी बचा है दोस्तों, और वो हमेशा काम करता है, जो कि ट्रस्टेड, टेस्टेड और वेरीफाइड है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने बोनस आइडिया की तरफ, और सिंपल एक वर्ड है उसका, वो है क्राउड फंडिंग। अब आप कहेंगे कि क्राउड फंडिंग से कैसे हम अर्न कर सकते हैं, आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि हॉस्पिटल्स में अब बेड कम हो रहे हैं, ऑक्सीजन कम हो रही है, तो उनके लिए उसको फंड भी चाहिए ताकि वो उसे ऑर्गेनाइज कर सके। वैसे ही फूड मार्केट को भी जरूरत है फंडिंग की, बिजनेस को भी जरूरत है फंडिंग की, स्टार्टअप को भी जरूरत है फंडिंग की, सब चीजों को फंडिंग की जरूरत पड़ती है। को एक आइडिया दे देता हूँ मैं कि आप इसे कैसे इनिशिएट कर सकते हैं अपने लिए। जैसे समझ लिए दोस्तों, राम ने कहा कि मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है इस लॉकडाउन के अंदर, और आप कह रहे हैं मेरे पास अभी वो अमाउंट नहीं है जो आपको चाहिए, यानी 50,000 रुपए। हाँ, अगर 500 लोग मुझे 100-100 रुपए भी दें तो मैं आपको 50,000 रुपए दे सकता हूँ। तो वहाँ काम आती है ऐसी क्राउड फंडिंग साइट्स, जहाँ पर आप फंडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और दोस्तों अपने आप ही वो ऐप रन करती जाती है और आपको फंड्स मिलते जाते हैं। अगर लोगों को आपकी जरूरत समझ में आई और वो जानते हैं कि आपको क्यों जरूरत है, तो वो आपको जरूर फंड करते हैं। किकस्टार्टर, इंडिगो, पेट्रियन, क्राउड फंडर, फंडेबल, मिलाप, ऐसी ही साइट्स हैं जो आपको किसी भी चीज के लिए फंडिंग प्रोवाइड कर सकती हैं। किकस्टार्टर और इंडियागो तो स्टार्टअप के लिए तक फंडिंग देती है, अगर आपका स्टार्टअप अच्छा हुआ तो। किकस्टार्टर में आपको बहुत से फंडिंग ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप वेबसाइट के लिए फंड निकालना चाहते हैं या ऐप के लिए निकालना चाहते हैं, तो इस लॉकडाउन आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा देना, शेयर कर देना इसको अपने परिजनों के साथ, ताकि कमाने के और तरीके मिल जाए उन्हें। और तो और अगर पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें मोटिवेशन के लिए, ताकि हम ऐसी ही वीडियोस आगे लाते रहें। बाकी और वीडियोस देखनी हो तो आई बटन डिस्क्रिप्शन और इस एंड स्क्रीन पे आपको देखने को मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।